स्कूल की लापरवाही से छुट्टी अभ्यर्थियों की परीक्षा। बरेली। उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए दो अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई। दोनों ही अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत एसएसपी से की है। बताते चले, आज सुबह की पाली में सुबह एफ आर इस्लामिया इंटर कॉलेज में अभ्यर्थियों आरती आर्या और पूनम गौतम परीक्षा देने आई। इस दौरान स्कूल के स्टाफ ने उनसे कहा कि तुम्हारा प्रवेश पत्र गलत है। दोनों छात्राओं को इधर से उधर दौड़ाते रहे, जिससे उनकी परीक्षा छूट गई। दोनों ही अभ्यर्थियों ने एसएसपी को प्रार्थना देकर स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। राजस्थान से आए भारती। कहाँ रहने वाले हैं? राजस्थान से। किस जगह से? अलवर से। आज आप? हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल। पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं? मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए। कहाँ तक आप पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएशन चल रही है अभी। तुम भी बोलो बेटा, तुम भी बोलो। आपकी बाइक क्या नाम है आपका? सर आरती। आरती कहाँ से आई हो? सुभाष नगर बरेली से। अच्छा, क्या समस्या है आपको पेपर देने की? सर मैं 8 बजे आ गई थी कॉलेज में, लेकिन ये एडमिट जब एंट्री मतलब हो रही थी तो फिर एडमिट कार्ड गलत बताया गया था। अंदर चेक फिर भी कर ली थी। हाँ, चेकिंग सारी हो गई थी सर, फिर ये एडमिट कार्ड दूसरा निकलवाने गए, तब तक यहाँ पर आए थे तो फिर ये मतलब गेट ही नहीं खोल रहे थे मतलब, और टाइम से पहले गेट बंद कर दिया सर। कितने बजे आ गई थी? सर 9:30 जी सर। पेपर नहीं देने को? नहीं सर। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर बीए सेकंड ईयर है इस साल जी। पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं जी? पहली बार परीक्षा दी जी सर। तो आज तो पेपर छूट गया आपका? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? सर आरती आ रही है, सुभाष नगर बरेली। पूनम कहाँ से आई हो? मैं यही बरेली से ही हूँ, हेडमैन कॉलेज के पास से। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये, मैं टाइम पे ही कॉलेज आ गई थी और मुझे अंदर एंट्री नहीं दी, और इधर कॉलेज वाले इधर उधर भगाते रहे, कहीं कह रहे थे तुम्हारा उस वाले गेट पे है, कभी कह रहे थे तुम्हारा इस वाले गेट पे है। जब मैं उधर जा रही थी, पहले तो इन लोगों ने बोला कि तुम्हारा फॉर्म गलत भरा हुआ है, तुम्हारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है ऊपर। तो मैंने बोला अगर फॉर्म सबमिट नहीं होता तो मेरा एडमिट कार्ड निकल के नहीं आता। तो बोले एडमिट कार्ड तो तुम्हारा एडमिट कार्ड गलत है, दूसरा लेकर आओ। जिससे मैं एडमिट कार्ड दूसरा लेकर आई और मेरा टाइम बहुत ख़राब होता गया। तभी ये बोले कि स्कैन नहीं हो रहा है, तुम उस वाले गेट पे जाओ। जब मैं यहाँ आई तो इन्होंने बोल दिया कि बायोमेट्रिक बंद हो चुकी है और तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी अब बायोमेट्रिक की वजह से। मेरा ये लास्ट चांस था, मुझे अब यूपी पुलिस में कभी भी फॉर्म डालने के लिए अब नहीं मिलेगा, मेरा पूरा भविष्य खराब हो गया। क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा दूसरी शिफ्ट में मेरा पेपर हो। दूसरी शिफ्ट 2 बजे से है और कल भी पेपर है। मैं सोच रही हूँ कि मेरा अब या आज हो जाए या कल मुझे मेरा पेपर देने के लिए मिले। और यहाँ पे आपको किस तरीके की समस्या रही, क्या आप कहते क्या? कॉलेज स्टाफ की वजह से मुझे इधर उधर भगाते रहे और जब बाद में बोल दिया कि बायोमेट्रिक नहीं हो रही है, अब तुम्हारा ये कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है, अब तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, हम कैसे बैठा सकते हैं। पहले भी आप एग्जाम दे चुकी हैं? पहले मैंने 2018 में दिया था, जो मेरा पहली बार था तो क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मैं तैयारी उसी टाइम से कर रही हूँ तो इस बार मैं क्लियर कर देती हूँ। मुझे अब मैं ओवर एज हो चुकी हूँ, अब मुझे दोबारा चांस भी नहीं मिलेगा। जब तक भर्तियाँ आएंगी तब तक मुझे चांस नहीं मिलेगा, ये लास्ट चांस था मेरे पास। कहाँ रहती हैं? मैं हेडमैन कॉलेज के पास में रहती हूँ। मैं MA BEd हूँ। परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 भाई हैं, मम्मी पापा, और अकेली मैं हूँ। तो जॉब नहीं लग पाई है? जॉब नहीं लग पाई है। पुलिस? मेरा सपना पुलिस में ही जाने का था, इसीलिए मैं पुलिस में ही देख रही हूँ। मैं 4 ही देख रही थी और कोई तैयारी नहीं कर रही थी, घर वालों की वजह से। पापा ने बोला था, बीएड भी किया मैंने, लेकिन मैंने सोचा बीएड तो मेरे पास बाद में भी, मैं शादी के बाद भी कर सकती हूँ टीचर की तैयारी तो, लेकिन ये 4 की तैयारी मैं पहले ही, अभी बाद में मेरी ओवर एज हो जाऊंगी तो नहीं कर पाऊंगी मैं, इसीलिए मैं बस यही चांस है, उसके बाद अब मुझे चांस नहीं मिलेगा। क्या लगता है वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा अब लग रहा है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा। काफी तैयारी की होगी? मैं 2018 से ही तैयारी में लग गई थी, जब मेरा फर्स्ट बार में ही नहीं हुआ था तभी से। कोई अधिकारी वगैरह किसी से मिली हैं आप? अभी तो किसी से नहीं मिले हैं, अंदर जाने ही नहीं दे रहे मुझे कॉलेज वाले, जाने नहीं दे रहे ना। पूनम बौद्ध।
क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, आज जो आप कहा की परीक्षा देने आए हैं? अच्छा, पुलिस में क्यों जाना चाहती हैं आप? कहाँ तक आपने पढ़ाई करी है? एक सेकंड नहीं रहा यार, ये माइक के साथ।